ए बाबू जरा अपना हाथ दिखाओ। पकड़ लेंगे जानते आई थी। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है 5 दिसंबर और कल से हमारा जो चैलेंज है, जो मैंने आपको बोला था कि एक चैलेंज आएगा, कल के वीडियो में दिया था शायद से, तो जो चैलेंज है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। और चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, कल भी बताया नहीं था पर आज बता दूंगा। सो मैं उसका लाइव फुटेज दिखा दूंगा आपको, क्या था चैलेंज उसका ऐड कर दूंगा इसी में। और अभी खेल और अभी एक दो काम है हमको, जैसे कि मेरे को मेरा बाइक धोना है, तो आज वो फ्री है बाइक, तो उसको धोना है। प्लस कल से जो हमारा चैलेंज है वो साइकिल से रिलेटेड है, तो साइकिल को आज सर्विसिंग करवाने जाना है। सो अभी इस बाइक को वॉश करना है, देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है ये बाइक, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है और टाइम मिलने से बाइक फ्री नहीं रहता है हमको इसको वॉश करवाने के लिए। तो इसका डिटेलिंग वीडियो अलग से आएगा, ये इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं होगा। और फिर इस साइकिल को अभी निकालना है, इसको भी सर्विसिंग में देना है, अभी सर्विसिंग कराएंगे इसे, तो क्योंकि इसका एक गियर काम नहीं कर रहा है ठीक से। नया साइकिल लिया था पर हमने यूज़ भी नहीं किया, पर पता नहीं गियर का क्या इशू है। तो इसको अभी लेके जाता हूँ मिशन चार्ली, और उससे पहले मैं आता हूँ नहा वहा के रेडी होके आता हूँ, उसके बाद चलते हैं मिशन चार्ली। तो क्या कर रहा है पीसी सेटअप? कीड़े मारने की दवाई। क्या इसे सब कीड़े मर जाएंगे? जी हाँ, अब देखोगे कुछ टाइम में इस पेड़ में कुछ कैटरपिलर्स है बहुत बड़े बड़े साइज के, कुछ देर बाद मरे हुए दिखेंगे नीचे। हाँ रुको, मैं दिखने से आपको बताता हूँ। एक मकड़ी था, मकड़ी मकड़ी मकड़ी, ये तो जिंदा बच गया, कहाँ गया? सो अभी मैं सोच रहा हूँ ये गोप्रो का जो स्टैंड है, मतलब 3 mm का ये टेप से, इसको इधर फिक्स करता हूँ, ताकि इनका जो राइड्स वगैरह है जो भी मतलब वो है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से तो फिट नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा एरिया है और ये बड़ा है, तो इसको मैं हाफ में थोड़ा काट के ट्राई करता हूँ कि इधर लग जाए। तो इसको मैंने ब्लेड से काट लिया है बीच में, सो इसको बस निकालना है। सो मैंने इसको इतना काट लिया है, देखते हैं फिक्स होता है कि नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर काटेंगे। और तो ये हमारा गोप्रो इसमें फिक्स हो चुका है, और अब हमारा राइड हो जाएगा इससे, साइकिल सीधा हो जाए। तो आप देख सकते हैं गोप्रो हो गया, गोप्रो को सीधा कर लेते हैं। सो ये हमारा राइड का सेटअप। सो ये टिका तो रहेगा, 3M का टेप बहुत ही मजबूत होता है, टिक जाना चाहिए। और ये हम गोप्रो को आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर फेस दिखाना हो तो इसको इधर से खोल के, या फिर इसका ये जो क्लिप है इसको खोल के इसको उल्टा कर देंगे तो फेस का भी आ जाएगा। तो एक सेटअप हो गया है। ए बाबू तू कहाँ गया? ब्लैक सॉक्स का क्या किया तूने? ए बाबू जरा अपना हाथ दिखाओ। ए लेडी का का तू पकड़ लेंगे तू जानते आई थी तू है बच्चों का ठीक है वैसे मतलब होगा। जरा अपना हाथ दिखाइए भाई, जरा अपना हाथ दिखाओ। कुछ नहीं बोलेगा, हाथ तो दिखा दे, हाथ हाथ हाथ, जिस हाथ में तूने मेहंदी लगाया था वो दिखा 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 दिखा, मेहंदी वाला नहीं, दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला, ये ये दिखा दे, ये दिखा दे, केवल दिखा दे, दिखा खोल खोल खोल। हमने सीरियल या मूवी में देखा था मेहंदी जितना गाढ़ा होता है उतना ही अच्छा पति मिलता है, इस केस में क्या होगा? इसमें चीनी लगा, चीनी चीनी का पानी।
सो गाइस, 2 दिन से मैं कुछ बता रहा था कि मेरे लिए कुछ चैलेंज है, ओके, चैनल में, पर मैंने अभी तक बताया नहीं था। तो आज फाइनली आ गया है, जो वीडियो है मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ये मेरा दोस्त है कमल भराली, जो अभी रिसेंटली आया था घर पे। उसने अपने चैनल के जरिए मेरे को एक चैलेंज दिया है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ और फिर चैलेंज के लिए तैयारी करता हूँ अभी क्या करना है। और उसका चैनल का नाम है अपना कैप्चर, तो आप उसको फॉलो कीजिए, देखिए हम लोग का चैलेंज क्या है और फिर मजे लो वीडियो का। मैं गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए, फिलहाल भाई करीब 6 साल बाद मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा मिलके भाई का, भाई से मतलब भाई के घर जाके अंकल आंटी से मिला फिर से, बहुत 6 साल बाद जैसा मैंने बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन भाई तू थोड़ा मोटा हो गया पहले से भाई, थोड़ा जिम विम कर पहले जैसा करता था, या नहीं तो तेरे को मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है ना, डेली 50 किलोमीटर साइकिलिंग किया कर, तो उससे थोड़ा तेरा पेट थोड़ा अंदर जाएगा, ठीक है ना, तब थोड़ा मस्त लगेगा, हैंडसम लगेगा, ऐसे लंबा चौड़ा है लेकिन पेट थोड़ा बाहर आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा साइकिलिंग कर, डेली 50 किलोमीटर जा, चैलेंज दे रहा हूँ मैं तेरे को, करना तो तेरे को पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ भाई, भाई का इज्जत रख लेना। तो डेली चैलेंज चैलेंज नहीं सॉरी डेली साइकिलिंग कर 50 किलोमीटर, ठीक है ना, चलो बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया ये वीडियो, इसमें मेरे लिए चैलेंज था डेली साइकिलिंग का, ओके। तो डेली 50 किलोमीटर, देखिए अभी तो मैं एकदम नया हूँ, ठीक है, मैं करीबन 1 किलोमीटर जितना मैं साइकिल चलाता था बीच बीच में वो भी कभी, ठीक है। डेली का तो मेरा कुछ है नहीं, पर डेली 50 किलोमीटर ये शायद ही पॉसिबल है, मैं ट्राई करूँगा, अपना पूरा ट्राई करूँगा, पर वही है एक लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे कि मैं 1 हफ्ते के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कल से 1 हफ्ता मैं डेली डेली 50 किलोमीटर साइकिल चलाऊँगा, ओके। और देखते हैं फ्यूचर में एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड भी करेंगे, लेकिन इसी चैलेंज में अगर मैं पूरा टाइम लगा दूँ तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता फिर। इसीलिए मैं इसको 1 वीक के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ चैलेंज, 1 वीक में मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर सकता हूँ। और बाकी फिर मैं उसको भी कोई चैलेंज दूंगा, जो देखते हैं क्या देंगे, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि पहले तो 50 किलोमीटर साइकिल चलाना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। मैं उसी के बारे में सोच के मेरा हालत ख़राब हो रहा है। अभी साइकिल में गोप्रो वगैरह का माउंट तो कर लिया हूँ, फिर देखते हैं कल क्या करना है, और प्लानिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा, 50 किलोमीटर इतना आसान भी नहीं होता, मेरे को करीबन 3-4 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतना लॉन्ग राइड का मेरे को आदत है नहीं, मेरा स्टेमिना इतना है नहीं। चलिए जो भी है, तो थैंक्स इस जो बंदा है, तो भाई थैंक्स, तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, बाकी देखते रहे मेरा वीडियो, तेरा चैलेंज तो मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी मैं जाता हूँ वीडियो एडिट करता हूँ, खाना पीना खा के जो भी है, उसके बाद मिलते हैं कल, तो अभी प्रिपरेशन बहुत करना पड़ेगा कल के लिए, तो चलिए बाय।